ब्रेक बिना ब्रेक डाउनलोड टक ऐप। नागरिकता बिल और एनआरसी के बाद एक और नया नाम राजनीतिक हलकों में मुद्दा बनने के लिए सामने आ गया है। ये नाम है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। हालांकि अभी तक आम लोगों में भी बहुतों को इस बात का पता नहीं कि ये राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर आखिर है क्या। क्या ये जनगणना है या फिर उससे ही जुड़ा कोई और डेटा? क्या इसका नागरिकता से कोई लेना देना है? ये तमाम सवाल लोगों के जहन में। तो चलिए हम आपको आसान भाषा में बताते हैं कि आखिर राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर है क्या और इसके जरिए सरकार कौन सा आंकड़ा जुटाने की कोशिश में है। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर देश के सामान्य निवासियों की एक सूची है। 2010 में यूपीए सरकार के वक्त एनपीआर पहली बार लागू हुआ और सारे लोगों का रजिस्टर बना। इसका उद्देश्य देश में रहने वालों की पहचान का व्यापक आंकड़ा जुटाना है। एनपीआर में जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक दोनों प्रकार का डेटा जुटाया जाएगा। में उन लोगों की जानकारी दर्ज होगी जो कम से कम 6 महीनों से एक जगह पर रहते हैं। इसके अलावा आने वाले 6 महीनों में वो निवासी कहीं और रहने का इरादा रखता है, इसकी जानकारी भी ली जाएगी। देश में 6 महीने से रह रहे बाहरी व्यक्ति की जानकारी भी इसमें दर्ज की जाएगी। देश में 6 महीने या उससे ज्यादा वक्त से रह रहे लोगों के लिए जानकारी देना अनिवार्य होगा। और अब आपको बताते हैं कि एनपीआर की प्रक्रिया कैसे की जाएगी। एनपीआर की प्रक्रिया 2021 जनगणना के हाउस लिस्टिंग चरण में होगी। यह प्रक्रिया 1 अप्रैल 2020 में शुरू होगी और 30 सितंबर 2020 में खत्म होगी। पहले दौर में अप्रैल से सितंबर के बीच डोर टू डोर सर्वे कर आंकड़े जुटाए जाएंगे। दूसरे दौर में 9 से 28 फरवरी के बीच रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। तीसरे दौर 1 से 5 मार्च के बीच संशोधन की प्रक्रिया होगी। असम को छोड़कर पूरे देश में एनपीआर के जरिए डेटा जुटाया जाएगा। एनपीआर में आंकड़े ऐप के माध्यम से जुटाए जाएंगे। असम में पहले ही एनआरसी के जरिए यह आंकड़ा जुटाया जा चुका है। बताते चलें कि एनपीआर के जरिए सरकार अपनी योजनाओं का फायदा सही व्यक्ति तक पहुंचाना चाहती है। एनपीआर के जरिए व्यक्ति की पहचान हो सकेगी और देश की सुरक्षा में सुधार किया जा सकेगा। इससे आतंकी गतिविधियों को रोकने में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर देश के सभी नागरिकों को एक साथ जोड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।